बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। 7:10 पर पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए गए हैं और ये कपाट खुलते वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। बैंड की धुन वहां पर थी, आर्मी का जो बैंड है वो धुन बजा रहा था, वो भजन बजा रहा था और इस बीच में कपाट खोल दिए गए और उसके बाद से उत्साह में सभी श्रद्धालु झूम उठे, क्योंकि इन्हीं क्षणों का तो इंतजार करते हैं पूरे शीतकाल के लिए। बाबा अपने शीतकाल प्रवास पर विराजते हैं और जब शीतकाल समाप्त होता है तो उसके बाद कपाट खुलते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि अभी शीतकाल ही है क्योंकि बर्फबारी हो रही है। हालांकि बर्फबारी को बड़ा शुभ माना जाता है, वहां पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आस्था की ये अद्भुत तस्वीरें हैं कि बर्फबारी की वजह से भी शिकन चेहरों पर नहीं है, ठंड भले ही लग रही है लेकिन आस्था की गर्मी ज्यादा है और 15 टन फूलों से पूरे मंदिर का श्रृंगार किया गया है और हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल तलहटी में भी बर्फबारी हो रही है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इसी बर्फबारी के बीच में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। बद्रीनाथ धाम अब खुल गया है, रजिस्ट्रेशन करवाकर बद्रीनाथ धाम पहुंचा जा सकता है, लेकिन इन तस्वीरों से एक और बात कि वहां पर जाएं तो गर्म कपड़े लेकर जाएं, क्योंकि मैदानों में जैसा मौसम है वहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहां बर्फबारी। जैसे कपाट खुले उसके बाद श्रद्धालु नाच उठे, झूम उठे, इसी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे थे वो नाचने लगे। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, कपाट खुल गए हैं और हम देख रहे थे कि बड़ा उत्साह, लोग झूमने लगे, नाचने लगे। कैसे पारंपरिक वेशभूषा में बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और अभी आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं कि जैसे कपाट खुला है यहाँ पर भजन आरती आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट के बैंड द्वारा की जा रही है। कुमाऊं और गढ़वाल की जो महिलाएं थी विशेष पारंपरिक वेशभूषा में आई थी उनके द्वारा नृत्य किया जा रहा था, लेकिन सीधे तस्वीरें आपको बद्रीनाथ धाम मंदिर के पट खुलते ही। और अब देखिए मौसम सुहाना हो गया, अभी तक इतनी बर्फबारी थी कि हर कोई लगभग बेहाल हो रहा था। हालांकि श्रद्धालुओं को लगा कि ये तो प्रकृति बाबा का स्वागत कर रही है, तो कहीं पर भी आस्था जो है मौसम जो है उसे हरा नहीं पा रहा था। तो अब जब मौसम साफ हो गया तब तो कम से कम श्रद्धालुओं के लिए अच्छा मौका आपको थोड़ा आगे लिए चलते, लेकिन इस बीच एक तस्वीरें आईटीबीपी बैंड की विशेष दस्ता विशेष प्रस्तुति बद्रीनाथ बाबा बद्री विशाल के स्वागत के लिए उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रस्तुति इधर चल रही है। तो उधर आगे जो श्रद्धालुओं का हुजूम है, हालांकि अभी शंकराचार्य रावल और जो पुरोहित हैं वो मंदिर के भीतर मौजूद हैं और जैसे विशेष पूजा खत्म होती है पूरी पद्धति के साथ सभी रीति रिवाजों के साथ पूर्व धर्माचार्य जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच सबको उम्मीद है कि जैसे ही रावल और जो पुरोहित है वो मंदिर से बाहर निकलेंगे हम जो है आगे जा पाएंगे और बाकी तमाम जो श्रद्धालु हैं जो इस लंबे इंतजार में हैं। जी आशुतोष, दर्शन प्राप्त हो सके। आप समझिए कि पूरा जो तो संख्या बहुत ज्यादा आशुतोष, आप नजर बनाए रखें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। तो पहले केदारनाथ धाम के कपाट खुले और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए।